अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सैंडविच की है। तो सैंडविच जो है वो स्कूल में, ऑफिसेज में या हम पिकनिक में जहाँ पे भी जाते हैं तो वो हमारे साथ, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और बच्चों को अगर लंच बॉक्स में दें तो उनके लंच बॉक्स हमेशा खाली आएंगे, कभी भरे नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये ब्रेड के मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं जिनको मैंने इसके किनारे जो हैं वो अलग कर लिए हैं। मैंने चिकन जो है उसको मैंने बॉयल करके उसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी और इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लेकर उसको पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में ऐड करती हूँ। चिकन के अंदर मैंने 1 ग्लास पानी डाला है और आधा टीस्पून नमक और तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है और इसे बॉयल होने के लिए रखूँगी यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गल जाए। तो ये देखिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद थोड़ी आंच मज़ीद स्लो कर दी थी, पूरा 1 घंटा पकाया है बहुत अच्छे से ताकि ये गल जाए। जल्दी नहीं करनी बल्कि इसको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह पका लेना है। अब देखिए इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चला है और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गल गया है। इस तरह ही हमने इतने अच्छे तरीके से इसको गलाना है। और ये देखिए पानी बस थोड़ा सा रह गया है, जैसे कि 3-4 टेबल स्पून। तो मैंने इसको तेज़ आँच कर दी है, इसको खुश्क करूँगी। तो 1 टेबल स्पून इसमें तकरीबन पानी रह गया है तो मैं इसको बंद कर रही हूँ। और इसको जैसे कि अभी थोड़ा सा गर्म है, अगर हम इसे अभी इसे रेशा रेशा कर दें तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो गर्म गर्म ही चिकन है तो मैं इसको चम्मच की मदद से, देखिए ये कितने आसानी से रेशा रेशा हो रहा है, इतना सॉफ्ट आपने ज़रूर करना है। और जो पानी 1 टेबल स्पून छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क इसके अंदर ही हो गया है। और जैसे कि अगर जब हमने इसको रेशा रेशा किया है तो ये पानी इसके अंदर जो शामिल होकर इसको उसने बहुत सॉफ्ट सा बना दिया है। चलिए अब हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मायनेज किया है, काली मिर्च ली है और इसके अलावा हमारे पास बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन है। और ब्रेड की साइड्स मैंने रिमूव कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर माइनस की क्लेयर लगाऊंगी। तो ये क्लेयर बहुत कम भी नहीं लगानी क्योंकि इसके अंदर इसकी एक अच्छी लेयर होनी चाहिए। इसी तरह फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर भी माइनस की एक लेयर डालने के बाद इसके ऊपर हम श्रेडेड चिकन डालेंगे। और फिर स्लाइस के ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। बाकी भी बनाते जाएंगे। आप मायनेस होममेड भी बना सकते हैं, आप मेरे लिंक में देख सकते हैं। घर में बहुत इजीली आप बहुत अच्छा मायनेस बना सकते हैं। और बाजार वाला मेयोनीज की अक्सर ही काफ़ी नमक उसमें ज़्यादा होता है, तो घर में अपनी मर्जी से हम उसमें नमक डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह मैं इस पर बॉयल चिकन रखूँगी। और दूसरी तरफ रेड पेपर, चलिए अब ब्रेड को हम काट लेंगे दरमियान से।
तरह और इसी तरह बाकी ब्रेड भी मैं काट लेती हूँ। तो देखिए सैंडविच तैयार हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी।